टू रानीज किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे सूजी का दानेदार हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन के अंदर 2 स्पून देसी घी ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली सूजी, जो भी आप बर्तन ले, कप या बाउल, उसी से मेजरमेंट लेंगे हम। सूजी को भुनेंगे। अब इसी स्टेज में ये हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ऐड कर लें, किशमिश को हम बाद में ऐड करेंगे। भुनेंगे ताकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी भुन जाएंगे। जब तक हमारा सूजी भुन रहा है, हलवे के लिए हम चाशनी तैयार कर लेंगे। जिस बाउल से हमने सूजी लिया है, उसी बाउल से ऐड करेंगे 4 बाउल पानी। इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल शक्कर, 1/4 स्पून छोटी इलायची पाउडर। चाशनी को हम ज्यादा पकाएंगे नहीं, बस एक उबाल आ जाए और शक्कर घुल जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सूजी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, वरना सूजी बहुत जल्दी जलने लगेगा। आप फुल फ्लेम पे कभी भी इसको ना भूने। अभी इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे ये किशमिश। इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को लो करेंगे और ये हमने जो पानी बॉइल किया था चाशनी, धीरे धीरे ऐड कर देंगे। अब इसको फुल फ्लेम पे हम पका लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ये देसी घी 1/2 बाउल। टोटल क्वांटिटी हमने स्पून से 8 स्पून देसी घी यूज किया है डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए और हम पका लेंगे, ताकि सूजी दानेदार और भुना हुआ ही हलवा अच्छा लगता है। बहुत हलवा दानेदार सा दिखने लगा है और ये ठंडा होगा तो और ठीक होगा। ये देखिए, इस स्टेज पे अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे, हलवा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना दानेदार सा सूजी का हलवा बना है। दोस्तों, इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें। अपने फोटोज और वीडियोस मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फिर एक और सिंपल, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।